दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। मीटिंग में पवार ने कहा कि वे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार का समर्थन करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर सभी गैर भाजपा पार्टियां साथ आ जाए तो राज्यसभा में अध्यादेश को पास होने से रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात का समय मांगेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे और इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। केजरीवाल इसके विरोध में विपक्षी दलों का समर्थन जुटाने के लिए देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। केजरीवाल से मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि चुनी हुई सरकारों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सभी विपक्षी पार्टियों को इस मामले में AAP का समर्थन करना चाहिए, केजरीवाल को सभी पार्टियों से मिलकर उन्हें राजी करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजू जनता दल, यह करना हमारी जिम्मेदारी है, संसदीय लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।